खाता बुक ऐप की ऐसी क्या खासियत है? अरे भाई, खाता बुक ऐप में बैकअप का सुविधा भी है। आप फोन घूमेगा तो कोई टेंशन नहीं, आपका डाटा आपको फिर मिल जाएगा, समझे? तो ये है हमारे परफेक्ट हिसाब किताब का राज, खाता बुक ऐप। डिजिटल इंडिया का डिजिटल खाता। 26 जनवरी की देर रात भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक वीडियो अपलोड किया। वीडियो में एक लड़की माइक पर कुछ बोल रही थी। इस वीडियो के साथ पात्रा ने लिखा कि ये जहर की खेती है। वीडियो वायरल हो गया। पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। क्योंकि आज हम सब उतरे हैं CA NRC की वजह से उतरे हैं, लेकिन सिर्फ उसके खिलाफ नहीं उतरे हैं। CA NRC के बाद हम रियलाइज करते हैं कि हमारा कोई भरोसा ही नहीं है किसी चीज पे। ना हम सरकार पे भरोसा कर सकते हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा कर सकते हैं। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने इंडिया की कलेक्टिव के लिए अब्दुल को फांसी पे चढ़ाया था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो आज पता चलता है कि अफजल गुरु का पार्लियामेंट अटैच में कोई हाथ नहीं था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो कि पहले बोलती है कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था, ताला तोड़ना गलत था, मंदिर मस्जिद गिराना गलत था, और फिर बोलती है कि यहाँ पे मंदिर बनेगा। तो हमको सुप्रीम कोर्ट से ना कोई उम्मीद है। इस वीडियो में दिख रही लड़की है आफरीन फातिमा। सितंबर 2019 में JNU के स्टूडेंट यूनियन के चुनाव हुए। इसी में JNU के दूसरे स्कूलों में भी चुनाव हुए। इन्हीं में से एक है स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस एंड कल्चरल स्टडीज। इसी के काउंसलर पद पर चुनी गई आफरीन फातिमा। काउंसलर्स का काम होता है अपने स्कूल्स की मेंटेनेंस का ध्यान रखना, लाइब्रेरी खुली है या नहीं ये देखना, कामकाज ढंग से चलते रहे ये सुनिश्चित करना, BAPSA फ्रेटर्निटी यानी कि बिरसा अम्बेडकर फुले स्टूडेंट्स एसोसिएशन का सपोर्ट मिला है आफरीन को। इलाहाबाद से हैं। 2018 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वुमेन्स कॉलेज की प्रेसिडेंट चुनी गई थी। वहाँ वो BA लैंग्वेजेस की स्टूडेंट रहीं। 2019 में मास्टर्स के लिए JNU में एडमिशन लिया। इनके पिता जावेद बिजनेसमैन हैं। इस वीडियो में आफरीन कह रही हैं, आज जब हम उतरे हैं CAA NRC की वजह से उतरे हैं, लेकिन सिर्फ उसके खिलाफ नहीं उतरे हैं। CAA NRC के बाद हम रियलाइज करते हैं कि हमारा कोई भरोसा है ही नहीं किसी चीज पर। ना हम सरकार पर भरोसा कर सकते हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा कर सकते हैं। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने कलेक्टिव कॉन्शियंस के लिए अफजल गुरु को फांसी पर चढ़ाया था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसको आज पता चलता है कि पार्लियामेंट अटैक में अफजल गुरु का कोई हाथ था ही नहीं। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो बोलती है कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था, ताला तोड़ना गलत था, मंदिर मस्जिद गिराना गलत था, और फिर बोलती है कि यहाँ पर मंदिर बनेगा। हमको सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद आफरीन फातिमा पर फोकस हुआ। उनके पुराने ट्वीट निकाले गए। देखा गया तो उन्होंने शर्जील इमाम के समर्थन में भी ट्वीट कर रखे थे। शर्जील इमाम इस वक्त खबरों में बना हुआ है। उसने एक भड़काऊ बयान दिया था। इस बयान के बाद से ही पुलिस उसकी तलाश में जुट गई थी। बयान में उसने कहा था कि 5 लाख लोग हमारे पास ऑर्गेनाइज हों तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। परमानेंटली नहीं कर सकते तो कम से कम एक आध महीने के लिए तो कर ही सकते हैं। शर्जील की गिरफ्तार होने की खबर अभी आई है। JNU की पॉलिटिक्स में कहाँ मौजूद है आफरीन? प्रेसिडेंट नहीं है, सेक्रेटरी नहीं है, काउंसलर है। ABVP, AISA, SFI, AISF में भी नहीं है। BAPSA फ्रेटर्निटी मूवमेंट की कैंडिडेट है। ये लेफ्ट और राइट दोनों पार्टियों से अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रही है। एक इंटरव्यू में आफरीन ने बताया कि लेफ्ट और राइट दोनों ही दबे कुचलों को अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। राइट विंग वाले ये खुलेआम करते हैं, लेफ्ट वाले सोशल जस्टिस के नाम पर करते हैं तो उतना पता नहीं चलता। लेफ्ट से उन्हें ये भी दिक्कत है कि उसने कभी कैंपस में विकल्पों को पनपने नहीं दिया। मुस्लिमों की सेल्फ आइडेंटिटी को लेकर उनके विचार बहुत तल्ख हैं। मनोरमा ऑनलाइन को पिछले साल दिए एक इंटरव्यू में वो कहती हैं, बहुत गहरा धंसा हुआ है इस्लामोफोबिया इस कैंपस में। जैसे ही कोई मुस्लिम लेफ्ट या राइट की बाइनरी के आगे बढ़कर अपने मुस्लिम होने या अपनी पहचान अलग करने की बात करता है तो उसे कम्युनल कह दिया जाता है। संबित पात्रा के ट्वीट के बाद खबरों में आई आफरीन ने शर्जील की गिरफ्तारी के बाद भी ट्वीट किया है और कहा है कि ऐसा उन्होंने गुड फेथ यानी कि भरोसे में आकर किया है। संबित पात्रा की ट्वीट के बाद आफरीन पर जमकर चर्चा हो रही है। इस मामले में अगर कोई अपडेट आता है तो हम आप तक जरूर लेकर आएंगे। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सर्वत और ये स्टोरी हमारे लिए हमारी साथी प्रेरणा ने लिखी है। अब अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये स्टोरी आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।